हमारा जत्था पांच गाड़ियों के साथ पूर्व गौरव सैनिक सोसाइटी चरखी दादरी से यहाँ पहुंचा है, जो अन्याय के लिए एक साल भर से हम जगह जगह बैठे हैं। आज हमारी यही मुहिम है कि इस अन्याय के न्याय को बदलने के लिए हम एक साथ इकट्ठे हुए हैं और अपनी आवाज यहाँ से इतनी आवाज में एक साथ पहुंचाएंगे कि दिल्ली में बैठे हमारे प्रधानमंत्री जी को भी लगे कि आपने कल या परसों 16 तारीख को ये लड़ाई जो है आप अपने लिए लड़ रहे हैं या किसके लिए लड़ रहे हैं। ये लड़ाई समस्त हमारे पूर्व गौरव सैनिक वीरांगनाओं के लिए भी है जिनके साथ बहुत बड़ा घात हुआ है। नहीं, आपकी उम्र तो हो चुकी है, आपको और भी क्या जरूरत है, तो फिर किस लिए आप रोडों पे घूम रहे हैं। मेरे बहुत से पूर्व सैनिक साथी, मेरी बहुत सी वीरांगनाएं जिनके साथ बड़ा आघात, जिनके साथ शोषण, जिनके साथ भेदभाव, जिनके साथ अलगावपन करके इस कानून बनाने वाले ने जो अन्याय किया है, जो भ्रष्टाचार किया है, जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिला, जिसको नहीं मिलना चाहिए था उसको पूरा दे दिया गया है, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो वैसे तो जागृत हो चुकी है और हम बिल्कुल निश्चित होकर कहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी ये मुहिम है कि आप भी जागो और प्रेरित हो कि ताकि आपने हमारी तरह ऐसे ही रोडों पर नहीं चलना पड़े, ताकि आपका जो हक है आपको मिले। तो पूर्व सैनिकों से कोई अपील है कि बाहर नहीं निकलते, उनका क्या करोगे आप? देखिए, पूर्व सैनिक जहाँ भी मिलते हैं उनको न्याय चाहिए, उनकी आवाज है। न्याय आपको मिलेगा कैसे जब घर से बाहर ही नहीं आएंगे? तो इसमें बहुत सी चीजें हैं जो कि एक ऐलान कर दिया गया कि हर एक स्टेट वाइज भी अपना अपना आज कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा जो ग्राउंड था, इस ग्राउंड की जो अनुमति थी वो टाइम पर नहीं मिल पाई, वो रिजर्वेशन नहीं कर पाए, अरे था यहाँ पर इतनी भीड़ हो जाती कि आप देख कर। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ये देख लीजिए आप, फीट तिरंगा यात्रा है। मलिक साहब, राम राम। साहब, इस उम्र में क्या जरूरत पड़ेगी और भी लड़ाई लड़ने के लिए, किसके लिए लड़ रहे हो? ये आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं। हमारी तो उम्र पूरी हो गई, हाँ। लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए, वीरांगनाओं के लिए और जो जो ये विसंगतियां हैं उनको दूर करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ये देख लीजिए दोस्तों, सब बुजुर्ग उम्र दराज सैनिक, देखो कैसे चल रहे हैं। देखो, पीएमआर को भी बाहर किया गया है, वीरांगनाओं को भी कम पेंशन है, 13 से 18 हज़ार रुपए के बीच में गुजारा होता है। कैसे होता है आपको पता ही है, बहुत सारी विसंगतियाँ इसमें छोड़ दी हैं प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन दिया है। हम ये नहीं कहते, कल परसों भी प्रधानमंत्री जी ने यहाँ से ऐलान किया कि मैंने दिया है, हम भी कहते दिया है। लेकिन श्रीमान जी, आप जो है ना 3 जजों की कमेटी बैठा दीजिए, अगर वो कमेटी जो फैसला करेगी वो हमें मंजूर होगा। और करता हूँ कि जितने भी हमारे पूर्व सैनिक आए हैं, अगर उनमें कोई भी गारंटी अवार्डी है, जिनको गारंटी अवार्ड मिला है, तो कृपया वो भी मंच पर आ जाए और आप जैसा कि सोमवीर साहब अपनी कविता के रूप में माध्यम से जो सारी चीजें आपको बता के चलेंगे, अब मैं अनुरोध करता हूं हमारे पूर्व दिग्गज वीर सिंह जी से, पूर्व दिग्गज वीर सिंह जी जो कि संस्थापक है या हमारे पूर्व सैनिक संगठन के, और जिन्होंने ये पूरी व्यवस्था, उन्होंने और उनकी कार्यकारिणी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन का व्यवस्था की है कि वो आए और एक अपना वेलकम स्पीच दे। प्लीज वीर सिंह।